हाँ स्टूडेंट, ये आज आपकी सोशियोलॉजी की बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की क्लास है और सौरभ शुक्ला के द्वारा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपको टॉपिक पढ़ा था समिति के विषय में कि समिति क्या होती है, समिति की परिभाषाएं समाजशास्त्रियों के आधार पर क्या है। ठीक है, और समाजशास्त्रियों के आधार पर समिति की विशेषताएं क्या है, समिति के प्रकार क्या है, समिति की निर्माण किन तत्वों के आधार पर होता है, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, समिति के उदाहरण क्या है, ये पिछली क्लास हमने देखी थी। आज की क्लास में नया टॉपिक है कि संस्था, प्रकरण यहाँ लिखा है संस्था, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन संस्था के विषय में। तो संस्था के विषय में क्या कहा गया, तो संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया। फर्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने पुस्तक जो लिखी उसमें स्पेंसर महोदय ने संस्था शब्द का प्रयोग किया, और उसके बाद में सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन आता है। ठीक, तो किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इनके बाद में सन 1906 से समनर महोदय ने अपनी पुस्तक फॉक बीज में संस्था शब्द को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसमें किसने संस्था शब्द को सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक किसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में इस शब्द का प्रयोग किया। बाद में 1906 ईस्वी में समनर महोदय ने अपनी पुस्तक फॉक बीज में संस्था शब्द को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और उसका व्यापक अर्थों की उसकी व्याख्या की, इसके व्यापक अर्थ बताया और उसका प्रयोग किया। और क्या कहा, इसके बाद में अगर पूछा जाए तो एच ई वांस महोदय उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल इंस्टीट्यूट में संस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। वांस महोदय कितने लोगों ने संस्था शब्द का कहां पर प्रयोग किया, ये मुझे बताया। सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने अपनी पुस्तक किसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में संस्था शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद सन 1906 ईस्वी में समनर महोदय ने अपनी पुस्तक फॉकबीर में संस्था शब्द का वैज्ञानिक रूप में व्यापक अर्थों में प्रयोग किया। इसके बाद अगर पूछते हैं तो एच ई वांस महोदय ने संस्था शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल इंस्टीट्यूशन में प्रयोग किया। ठीक है, बताया। और संस्था के विषय में सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, सामाजिक संस्थाएं सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसकी एक साधन के रूप में मैंने साधन और साध्य के विषय में अंतर भी बताया, एक साधन के रूप में विकसित नियमों, विधिविधानों, कार्य प्रणालियों की एक संगठित व्यवस्था या संगठित रूप को है क्या कहा गया, समाज द्वारा संस्था कहा गया, कि जो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उसने क्या किया, संगठित रूप से विचार, विधिविधानों, कार्य प्रणालियों के संगठित रूप को संस्था का नाम दिया गया। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम देखें तो समनर महोदय ने कहा भी है, क्या कहा है कि जब एक विचारधारा को एक निश्चित ढांचा प्रदान किया जाता है, एक विचारधारा को एक निश्चित ढांचा प्रदान किया जाता है तो वह संस्था कहलाती है। ये समनर महोदय की परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक है, कि समनर ने क्या कहा, समनर ने किस बुक में संस्था शब्द का प्रयोग किया, किस सन में प्रयोग किया। ठीक है, और समनर महोदय की क्या परिभाषा है? तो समनर महोदय ने क्या कहा है कि जब एक विचारधारा को संगठित रूप में एक ढांचा प्रदान किया जाता है, जो कोई विचारधारा है, तो उसे संस्था कहा जाता है, ये समनर महोदय ने कहा। ठीक है, और इसी क्रम में समनर महोदय ने दूसरे शब्दों में दूसरी जगह संस्था शब्द को क्या कहा है कि संस्थाओं की उत्पत्ति तो विचारधारा से होती है, संस्था का जो ओरिजिन है उसकी उत्पत्ति विचारधारा से होती है, लेकिन इसका सही रूप से
अगर इसका सही रूप से प्रयोग देखें, इम्प्लीमेशन देखें, प्रारंभ जन नीतियों से होता है। ठीक है, अगर संस्था शब्द की उत्पत्ति जो है वो विचार से होती है, पहले कोई विचार आता है, लेकिन इसका प्रारंभ अगर देखें तो जो जनरीतियां होती हैं, ठीक है, जनरीतियों के बाद रूढ़ियां, रूढ़ियों के बाद प्रथाएं, प्रथाओं के बाद धर्म, एक इनका सर्किल है, उसके आधार पर इन्होंने बताया। फॉकवे जो पुस्तक है उसमें तो उन्होंने ये कहा। अब इसी क्रम में एक स्पेंसर महोदय हुए है, स्पेंसर महोदय, उन्होंने क्या कहा है कि एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, एक निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों का पुंज है। संस्था क्या है? एक निश्चित सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित भूमिकाओं एवं परिस्थितियों का पुंज है। ये किसने कहा? तो ये कहा है स्मेलसर महोदय ने। किसने कहा है? स्मेलसर महोदय ने। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं कि अगर संस्था के विषय में अन्य समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं, ये तो मैंने दो समाजशास्त्रियों के विषय में बात बताई, एक स्मेलसर महोदय ने और समनर महोदय ने। तो समनर महोदय की बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने शब्द का भी प्रयोग किया है, संस्था शब्द का भी पुस्तक फॉकवेज में पूछा जाता है। और सबसे पहले संस्था शब्द कौन लाया? तो वो हार्वर्ड स्पेंसर अपनी किसी पुस्तक में फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसी के क्रम में अगर परिभाषा देखें तो किंग कोलर ने परिभाषा दी है। क्या कहा है उन्होंने कि समाज संस्थाओं से बना है, समाज जो है वो संस्थाओं से बना है, इंस्टीट्यूशन से बना है। और संस्थाओं के अंतर्गत क्या शब्दावली प्रयोग होती है? विचारधाराएं, कार्य प्रणालियां, इनके आधार पर संस्था का निर्माण होता है। ठीक है, जिंग्सवर महोदय की अगर परिभाषा हम देखें कि जिंग्सवर महोदय क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक संस्थाएं संस्कृत का हृदय ही है। सामाजिक संस्थाएं जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है? संस्कृत का हृदय है। ठीक है, जो कल्चर है उसका हृदय कौन है? सामाजिक संस्थाएं, जिंग्सवर महोदय का। मैकाइवर पेज ने क्या कहा? मैकाइवर पेज महोदय ने कहा, क्या कहा कि सामूहिक क्रिया की विशेषताएं, सामूहिक क्रिया की विशेषताएं बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। और इन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा दिया है, क्या दिया है कि हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के। बहुत पूछा जाता है, किसने कहा कि हम समिति के सदस्य हैं ना कि संस्था के? तो वो मैकाइवर पेज ने कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। आप देखते हैं कि संस्था की विशेषताएं, संस्था को आप पहचानेंगे कैसे? तो समिति मैंने पढ़ाया था, अब मैं आज अंतर भी बताऊंगा कि समिति और संस्था में अंतर कैसे आप जानेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो संस्था की विशेषताओं के विषय में सबसे पहले कहा कि संस्था में नियमों की व्यवस्था होती है, नियमों का एक सिस्टम होता है, रूल सिस्टम। ठीक है, वो विचारधारा के आधार पे, कार्य प्रणाली के आधार पे। ठीक है, तो नियमों की व्यवस्था होती है संस्था में। ठीक, दूसरा, संस्था अमूर्त होती है। कैसी होती है? इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त होते हैं। और समिति कैसी होती है? मूर्त होती है। ठीक है, तो समिति मूर्त होती है, अंतर भी बता दिया, और संस्थाएं, समिति मूर्त और संस्थाएं अमूर्त होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये सुपरवासित एवं निश्चित उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य समिति में भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ संस्था में भी। ठीक है, सामूहिक स्वीकृति होती है, समूह के द्वारा स्वीकृति होती है, मापदंड जो बनाए जाते हैं, धर्म है तो समूह के द्वारा स्वीकृति होती है, धर्म भी जो है संस्था के अंतर्गत आया, विचारों के द्वारा निर्मित होगा ना। ठीक है, धर्म दिखाई तो नहीं देता रोज, जैसे मनुष्यों का समूह जो समिति में दिखाई देता है, इसीलिए अमूर्त कहा गया है। तो धर्म जो है किसमें आएगा? आपका सामूहिक स्वीकृति द्वारा संस्था के अंतर्गत। इसका स्वतः विकास होता है, ऑटोमेटिक विकास होता है, और समिति में निर्मित करना पड़ता है। ठीक है, स्वतः विकास नहीं होता, समुदाय का स्वतः विकास होता है, और परिभाषा भी दी समुदाय के अंतर्गत समिति आती है। ठीक है, उसी तरह से इसका स्वतः विकास होता है, इसकी प्रकृति स्थायी होती है, और समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। मैं अंतर दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप आराम से
अपना नोट कर लीजिएगा और अंतर के आधार पे ही आप समिति और संस्था को समझ पाएंगे, पूरे टॉपिक को अपने दिमाग में रख पाएंगे। ठीक, विशेषताओं के आधार पे भी विशेषता ही अंतर बनी हुई चलती कि समिति की विशेषताएं और जो संस्थाओं की विशेषताएं हैं, ठीक है, यही आगे जाके अंतर बनेगी। तो प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों से भी लिखा, क्यों लिखा कि समिति का एक निश्चित नाम होता है और संस्था का प्रतीक होता है, क्योंकि अमूर्त होती है तो सिंबल होता है, ठीक है, धर्म का सिंबल देखते हैं ना, हिंदू धर्म में सिंबल, मुस्लिम धर्म में रंग के आधार पर, ठीक है, हर एक अपना सिंबल है। ठीक, उसी तरह से संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। संस्थाएं का कार्य क्या होता है, व्यवहार को, मनुष्य के व्यवहार की बात की जाए यहाँ पे, तो व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। अगला पॉइंट है आपका, संस्थाएं हस्तांतरित होती हैं। तो मैंने धर्म का उदाहरण दिया था, धर्म है आप पैतृक रूप से, जैसे हिंदू धर्म में बिलोंग करते हैं तो आचार विचार पूजा पाठ मापदंड मूल जो है आपके संस्कार, जिन्हें कहते हैं संस्कृत कहते हैं, उसका हस्तांतरण होता है। संस्कृत क्या है, अमूर्त रूप में उसका हस्तांतरण होता है, वही आधार संस्थाओं का होता है। ठीक, तो संस्थाएं हस्तांतरित होती है। ठीक, संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ भौतिक सांस्कृतिक उपकरण का प्रयोग करती है, मतलब वैसे अभौतिक रूप में है लेकिन कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करती है कौन, संस्थाएं। ठीक है, संस्थाएं एक साधन है ना कि साधन, तो मैंने पहले बताया था समित साधन है ना कि साधन, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक, उसी तरह से संस्थाएं जो है वो साधन है ना कि साधन। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि संस्थाओं का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों संस्थाएं बनती हैं। तो संस्थाओं के महत्व के विषय में अगर बात करते हैं तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा का निर्धारण इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका महत्व कहाँ पे आ जाएगा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की निर्धारणता के लिए। ठीक, व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाना संस्था का कार्य होता है, व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाना, व्यवहारों में एक रूपता लाना, जिस तरह से आपके व्यवहार आपके पिताजी के व्यवहार आपके दादाजी, ठीक है, और उसी तरह से संस्कृत, तो व्यवहारों में एक सिमिलरिटीज लाना, एक रूपता लाना संस्था का कार्य है। संस्कृत का वाहक है, मैंने संस्कृत की बात की थी धर्म के अंतर्गत अभौतिक चीजें, तो संस्कृत का वाहक होती है, ले जाती है आगे तक। ठीक है, संस्थाएं किनके आधार पे, संस्थाओं के आधार पे संस्कृत का वहन होता है, ये है इसकी इम्पोर्टेंस है। सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है, जो सोशल चेंजमेंट है समाज में जो परिवर्तन आते हैं उनमें भी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, और परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है, जो संस्थाएं होती है वो परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। तो ये काफी पॉइंट आपको बताए कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कार्य निर्धारण के लिए, सामाजिक परिवर्तन में सहायक, संस्कृति की वाहक के रूप में सहायक, ठीक है, परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। तो ये तो हो गई संस्थाओं का महत्व हो गया। ठीक है, आप अगर देखें कि संस्थाओं का वर्गीकरण अगर देखें, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि कितने प्रकार में, तो अगर मर्टन महोदय ने, जो मर्टन महोदय समाजशास्त्री हुए, उन्होंने इसको संस्था को दो भागों में कार्यों के आधार पर बांटा है, कार्यों के आधार पर, तो पहली एक बांटा है, पहला पॉइंट प्रकट और दूसरा अप्रकट या अगोचर, जो दिखाई दे रही थी प्रकट, जो दिखाई दे रही और जो नहीं दिखाई दे रही अप्रकट। तो मर्टन महोदय ने संस्था को कितने भागों में बांटा, दो भागों में, किसके आधार पे, कार्यों के आधार पे। ठीक है, इसी के आगे क्रम में देखते हैं समनर महोदय ने, उन्होंने भी कार्यों के आधार पे दो भागों में बांटा संस्था को, इसमें एक स्थापित और दूसरी निर्मित, एक मतलब स्थापित है और एक निर्मित की जाएगी संस्था, दो भागों में। ठीक है, तो इसी क्रम में कई प्रकार से कई समाजशास्त्रियों ने संस्था को बांटा है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं बहुत कि पार्सन ने वैश्यावृत्ति जो है उसको द्वितीयक समूह या द्वितीयक संस्था का उदाहरण माना,
ठीक है, द्वितीय संस्था का उदाहरण माना है। तो क्वेश्चन आ जाता किसने संस्था को द्वितीय संस्था को वैश्यावृत्ति को द्वितीय संस्था का उदाहरण माना है, किसने वैश्यावृत्ति को द्वितीय संस्था का उदाहरण माना है, तो पार्सन्स महोदय ने। पार्सन्स महोदय ने एक और कोटेशन दिया है कि द्वितीय संस्था को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वाल माना है, जो प्राथमिक संस्थाएं हैं उनके लिए द्वितीय संस्थाओं को सेफ्टी वाल माना है। तो किसने सेफ्टी वाल माना है, ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसी के आधार पर अगर देखें तो विवाह को सर्वप्रथम मेलेनोवस्की ने माना कि दुर्गेम ने इसका समर्थन भी किया, संस्था को जो है विवाह को मेलेनोवस्की ने सर्वप्रथम माना था आपका संस्था, ठीक है। अब मैंने यहां बात की थी आपसे कि संस्था और समिति में अंतर क्या है, संस्था और समिति में अंतर क्या है। तो समिति में व्यक्तियों का समूह होता है, समिति में व्यक्तियों का समूह होता है, और संस्था में क्या होता है, नियम कानून एवं विचार विचारधाराएं होती है, तो वहां मूर्त रूप होता है। दूसरा, समिति मूर्त है, संस्थाएं अमूर्त है। तीसरा पॉइंट, इसमें निश्चित उद्देश्य होते हैं समिति में, ठीक है, और इसमें व्यापक उद्देश्य होते हैं, मतलब उसमें निश्चित सीमित उद्देश्य होते हैं, इसमें संस्थाओं में व्यापक उद्देश्य होते हैं, है। और समिति में क्या होता है, औपचारिक संबंध होते हैं और संस्थाओं में अनौपचारिक संबंध होते हैं। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, संस्थाओं की सदस्यता अनिवार्य होती है, ठीक है। समिति का अपना एक नाम होता है, संस्थाओं का प्रतीक होता है, ठीक है, और समिति में हम की भावना का अभाव होता है, संस्थाओं में हम की भावना पाई जाती है क्योंकि संस्कृत की वाहक होती है, ठीक है। और अगर उदाहरण के रूप में देखें तो समिति का उदाहरण क्या था, स्कूल या कॉलेज है, और इसमें उदाहरण अगर देखें तो विवाह या धर्म, ठीक है, विवाह होता है, संस्कार है, संस्कृति है, ठीक है, तो संस्थाओं के रूप में, ठीक, और विवाह को कानूनी रूप भी प्रदान किया जाता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर होता है कि संस्थाएं क्या है, और समिति मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, और इस क्लास में संस्था और समिति के विषय में अंतर भी स्पष्ट कर दिया। आगे टॉपिक देखेंगे, नया जो टॉपिक आपका होगा वो अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।